अरे क्या है, आवाज कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो? बापू एक सवाल पूछे? बहुत जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को काम करने दो। नहीं जरूरी है। क्या है? लुंगी कहाँ आपकी? धोखे सूखने डाली हुई, देखो कहीं बंदर वंदर तो नहीं ले गया? धोखे सूखने डाल दिए है नहीं? ओ बाग में नीम के पेड़ में कहा है? कौन से नीम के पेड़ में? अरे कौन से नीम के पेड़ में? बापू हम आपको कितनी बार बोले हैं क्या कि खेत में हगना मना है? अरे खेत में हगना काहे मना है? कौन बोला है? कौन से कानून में लिखा है? हम बता रहे लिखा है। अरे तुमने काहे का कानून बनाया? तुमने कानून बनाया हमारे देश में? और सारे जानवर खेतों में जाके हगते हैं, तो सारे लोग जाके खेतों में हगते हैं। तो बापू जानवर और इंसान में फर्क नहीं है क्या? कोई क्या फर्क है? वो भी नंगे हम भी नंगे, सिंपल है। बापू इसको मत करिए आप पहले। अरे ये तरीका है बात करने का तुम्हारे को बाप से? हम जो कह रहे हैं वो पहले आप मानिए। क्या मानू मैं? आप खेत में हगना बंद करो, नहीं तो हम तो तुम क्या कर लोगे? हम घर छोड़ के चले जाएंगे बस। जाओ अभी चले जाओ। हमारे हमसे ये तुमने जो बनाया है ना पखाना, इसमें पखाना करते हुए हमारा दम घुटता है। बापू सुन ले, सुन ले मेरी बात। वो दम घुटता है हमारा, चारों तरफ से बंद है। ये वो तरीका है हगने का। हगना तब होता है जब चारों तरफ से हवा चल रही हो, पंछी उड़ रहे हो, हाँ, और चारों तरफ। और फिर हमारी मित्र मंडली आके बैठते है, हम राजनीति की सारी बातें वहीं पे करते हैं बैठ के। बापू हगना है खाना नहीं कि साथ में बैठ के। अरे तो साथ में बैठ के हगना, दोस्ती यारी तो दोनों जगह होनी चाहिए, खाने में पकाने में दोनों एक जैसी होनी चाहिए। बापू दोस्त यार आके बैठ के हम राजनीति की सारी बातें वहीं पे करते हैं, और सुबह सुबह एकदम तंदुरुस्त हो जाते फेफड़े और सब कुछ हवा लग जाती है। अब एक बार बताओ, तुम अपने आप को अगर बंद कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहोगे दम घुटेगा ना? तो क्या आपके घुटेगा ना? घुटेगा ना? घुटेगा कि नहीं घुटेगा? इसी तरह जब हम अपने सारे शरीर को बांध के रखते हैं, चारों तरफ से बंद करके रखते हैं, सारे शरीर का भी दम घुटता, इसलिए जाके हम खेत में अपना शरीर खोल देते हैं और फिर शांति से हगते हैं, आधी बार उसके ऊपर मिट्टी डाल के आ जाते हैं, बात खत्म। इतना सिंपल काम करते हैं हम। हाँ, पानी की जरूरत पड़ती है, एक लोटे से गुजारा नहीं होता है, तो फिर वहां से चल के हमको वो पानी के वहां पे टैंक के पास जाना पड़ता है, उधर से भर के फिर आना पड़ता है। और हमारी इज्जत का काम? तुम्हारी इज्जत क्या है? जो हमारे स्कूल में हमारी इज्जत का जो भट्टाधार हो रहा है आपके कू के साथ, हमारी इज्जत का जो कू बन रहा है वो क्या होगा? उसका काम स्कूल छोड़ दे। स्कूल छोड़ दे? हाँ पप्पू हम करेंगे क्या? क्या करेंगे तुम? हमारी रोजी रोटी है हम। अरे खेत में काम करो। हमको खेत में काम नहीं करना है, ठीक है? हाँ तो मैं फिर ये गांव छोड़ के चले जाओ, जाओ। अरे हाँ, जब से हम पैदा हुए हैं तब से खुले में शौच कर रहे हैं, एकदम शांति रहती है, अगर तू वहीं की वहीं रह जाती है। अब तो एक बात सुनो, तुम पखाना बनाया हो ना घर में, पैसा खर्चा किया है ना, एक तरफ से तुम लोग बोलते हो सफाई अभियान, सफाई अभियान, और दूसरी तरफ बोलते हो कि वो सफा जगह को गंदा करो, टट्टी करो वहां पे। ये कोई तरीका है? बापू वो तरीका वही है, हम खुले में शौच करेंगे, वहां मक्खी कीड़े सब बीमारी हो जाएगी आपको। तो मक्खियों को कीड़ों को पेट नहीं भरना है, वो हमारे आगे हुए से पेट भरती हैं। और क्या करेंगे बापू? बीमार हो जाएंगे आप। मैं बीमारी फैलाएंगे आप पूरे गाँव में। ना ना कुछ नहीं, हम बच्चों को सिखाते हैं ये सब। भारत जब से, मतलब आप ये सुनो, जब से सृष्टि बनी है तब से लोग सारी दुनिया के जाके जंगल में छोड़ के आ जाते थे अपना मार पानी, चलो चलो काम करो।
मतलब आप नहीं करेंगे। तो एक काम कर, जो पकाना बनाया ना उसके चारों तरफ खिड़कियां बनवा, छत हटा दे। नहीं आता मैं कहता हूं तो चारों तरफ से दीवारें भी हटा दे, हवा आनी चाहिए सुबह 6 बजे। पर एक काम और कर, चारों तरफ थोड़े से पेड़ भी लगा दे और जाके कुछ वो क्या होती हैं चिड़िया और कौए मत लाना, साले बहुत गंदगी आवाज करते हैं क्या क्या क्या। ये चिड़ियों को लाओ और वहां पे वो क्या कोयल, सुबह सुबह उसका संगीत सुन के जो पखाना होता है एकदम पेट साफ हो जाता है। एक बात बता, आज से 1 साल पहले तुम कहां पे जाके हकते थे बापू? तो वही हकते थे ना, नहर के किनारे जाके, नहर से पानी डुबो के लेके करके आ जाते थे बापू। पर तब हमारे पास पखाना नहीं था, हमारे पास पखाना है। तो पखाना है तो तुम करो ना, इतने दम घुटते हुए के पखाने में। हम तो सुबह सुबह जाते हैं अपना लुंगी वुंगी उतार के वहां पेड़ पर टांग देते हैं, वो तो लुंगी सूखती रहती है क्योंकि गीला धोके जाते हैं हम तो, और फिर वहां पे अपना सारे दोस्त आ जाते हैं, यार आ जाते हैं, फिर वो पता करते हैं कि आजकल क्या अभियान चल रहा, बोले स्वच्छता का अभियान, तो हम करके उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं फिर आ जाते हैं। बापू देखिए बात साफ है, अगर आप पखाना में भगने जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। बस बात साफ, हमारी इज्जत बहुत जा रही है। और तुम हमको धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहे, फिर क्या कर रहे हो? प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हो तुम? आप ये देख आके ऐसे जब जाके खेत में बैठते हैं और अपने दोस्त यार आ जाते हैं, और भैया जी कैसे हैं आपका बढ़िया बढ़िया एकदम, और सब ठीक चल रहा है? अरे हो जाए तो उसके बाद बात करेंगे और फिर बातचीत करते हैं, अपनी राजनीति सारी वहीं पे होती है हमारी। तो आप बात भी कर सकते हैं ना? कौन कहां पे बात में मजा नहीं आता, जो दिमाग हकते हुए चलता है वो बात में नहीं चलता। तू भी कभी देख जाके वहां पे, तुम्हारा दिमाग एकदम बढ़िया चलेगा। भगने के टाइम पे दिमाग एकदम ऐसा, भगने के टाइम पे कौन सा दिमाग चलता है ऐसे? हमको तो कभी नहीं चला। तो तेरा दिमाग है ही नहीं तो कैसे चलेगा? तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है? तुम्हारा तो सब जा चुका है पखाने में। बापू आप समझ नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हमारे स्कूल में इज्जत बहुत खराब हो रही बापू। तो मैं क्या करूं बता? पखाना इस्तेमाल करो ना, उसकी दीवारें हटा दो। हटवा देंगे दीवारें, और जब हम कर रहे हो सारे घर वालों को बोल दो उधर आना मना है कि बापूजी वो जरा, और झाड़ू वाले को एक बात बोल दो कि दिन में हर घंटे घंटे के बाद वो पखाना धोता रहे क्योंकि सारी बदबू घर में ही आती है। तुम लोग कहां से आ गए हो यार, सारी बदबू घर में आती है। कुछ साल बाद हमारा ब्याह हो जाएगा। तुम्हारा ब्याह? हमारी मेहरारू आएगी। ये मेहरारू? तू अपने शक्ल तो देख, तेरे मेहरारू कहां से आएगी? तेरा बाल बाल तो तेरे सारे ऐसा लगता है चूहा कुतर के चला गया। छोड़ो ना यार, अबे तू बाल ये मोची से कटवाए थे? मोची ने जूते मार मार तेरे बाल काटे हैं क्या? पर आप बस हम बाल से ही करवा लेंगे। कहां से करवाओगे? आप बस पखाना इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पर एक काम, हाँ वो सारी दीवारें तोड़वाओ और उसके पास में चिड़ियों के पिंजरे ला के रखो, हाँ? और तोता मैना भी रखो और कोयल की गीत मेरे को सुनाई सुबह 6 बजे, सारे घर को बोल दो कि उधर आना मना है। और एक काम करो, थोड़े से गन्ने के खेत भी वहां पे बनवा दो। आप बढ़िया हवा हवा आनी चाहिए जब जब हम बैठे। तो मेरे मित्र कहां बैठेंगे फिर? मेरे मित्र को सबको बुलाना है पकाने के समय। हम पूरे गांव का बता रहे, मेरी बात मानना, मित्रता मेरी डूब जाएगी, मेरी पंचायत का क्या होगा? हमारी इज्जत का क्या होगा? मेरी इज्जत के बारे में चिल्ला के बात करता है, इज्जत का क्या होगा? तेरी इज्जत है कहां? 2 कौड़ी की तेरी इज्जत नहीं है। तेरे को वो छोटे छोटे बच्चे तेरी इज्जत उतार के चलेंगे, तेरी इज्जत है क्या? पागल की तरह बात करता है तू। तू तो एक काम कर, 5-10 पखाने ऐसे खुले में बना दे और उधर कुछ बारदान वगैरह थोड़ा सा लगा दे। लेकिन एक बात है, जब हवा चलेगी बारदान उड़ेगा तो सब कांड हो जाएगा, बस सब लोग देखेंगे।
पर मेरी पंचायत सुबह लगनी चाहिए, मेरा सारा राजनीति का सारा मसला ही हम वहीं पे हल करते हैं। ठीक है, आपके जो जी में आए करिए हम। पर एक बात याद रखिएगा कि आज के बाद अगर किसी ने बात कह दिया कि तुम्हारे अब्बू खेत में हगने जाते हैं या तुम्हारे पप्पू खेत में हगने जाते हैं तो हम कह देंगे हम उनके लौटने देंगे। तुम मोबाइल पिटे नहीं हो? नहीं। तो अपना सर्टिफिकेट कैंसिल करा लो। ठीक है, वो जो तुमको मिला हुआ है ना बर्थ सर्टिफिकेट, बाप का नाम लिखा है ना वहां पे कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो कैंसिल करा, बोलो हम मालूम नहीं किसकी औलाद है। अब वो काहे नहीं समझ रहे? बैठो बैठो बैठो, एक हल है जो बताया है ना। अच्छा, ये हवा कैसे चलेगी हमारे घर के अंदर पकाना करते वक्त? हवा की कौन जरूरत होती है बाबू, ये हफ्ते वक्त की हवा। अरे बदबू आती है अगर हवा नहीं चले तो। हम एग्जॉस्ट लगवा देंगे उसमें। एग्जॉस्ट वो शहर से मंगवा के लगवा देंगे। खर्चा करोगे? कर देंगे। हगने पे इतना खर्चा? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया, हमारा बजट टाइट है पहले से, बजट नहीं है हगने के लिए। थोड़की थोड़की जमा करके हम लगवा देंगे, पर आप खेत में नहीं हगने। पर दीवारें तो होंगी नहीं, एग्जॉस्ट कहां पे लगेगा? अच्छा चल, तू ये दीवारें मत हटा, जो हमारे लिए एक पखाना बना दे वो खुले में रहेगा, घर के आंगन में जो एक खुला जगह है ना वहां पे खुला शौच बना दे बस। मैं बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने घर में हग लेंगे। जब हमारी मेहरारू आएगी तो मेहरारू को बोलना ना कि बाबा हग रहे हैं, बाबा नहा रहे हैं, बाबा धो रहे हैं, तो बाबा बाबा की तरफ जाना मना है, नहीं तो पता चले तुम्हारी मेहरारू भी। बाबा हग रहे तुम गीत गाना, वो उधर नहीं आएगी, वो अपने पखाने में जाएगी, मैं अपने पखाने में जाऊंगा। बाबू इतना सीधा नहीं है ये सब, तो टेढ़ा वो आएगी, वो हमारे घर आएगी। अरे मेहरारू जब आएगी तो उसके दरवाजा अलग लगवा देंगे, वो उधर से ही आए उधर से ही जाए। और आप कल से सुबह से आप खेत में हगने नहीं जाएंगे? तो पहले बना तो दे। हाँ ठीक है। कहाँ पे बनाया अभी तक? खुले में मेरा शौच बना दे, घर में मैं खेत में नहीं जाऊंगा। पर लेकिन चार पांच बनाने पड़ेंगे, उधर एक पर्दा लगा देना, चार पांच हमारे मित्र आएंगे वहां पे ही हगेंगे। पर सुबह सुबह इतने लोग हग के जाएंगे घर में, कितनी बदबू आएगी ना, तुमको अकल है कि नहीं? अच्छा एक काम करो, केवल मेरे लिए बनवाओ, उनको बोलूंगा अपने अपने घरों में खुला बनवाओ, ये ठीक है? अब तो मंजूर है। और तुम अगर तुम्हारे बच्चे तंग करेंगे ना, उनको सुबह सुबह 6 बजे मेरे घर पे ले आना, उनको बोलो बाबा यहां पे आ गए। देखो अब तो बात खत्म हो गई ना, उनको दिखा देना कि अब पखाने में हग रहे हैं, अब आवाज करना बंद करो, अब उनकी बात नहीं सुनना, अभी जाओ वो क्या बोलते हैं उसको, सुतार नहीं, क्या कौन बनाते हैं ये पखाना, हमको तो वो भी मालूम नहीं। उनको बुलाओ, उनको बोलो बापू का पखाना बनाओ, बापू का पखाना बनेगा और साथ में वहां पे लोटा पानी का रखो, हम कल से वहां पे आगे आज के आज बनवा दो। पर सूख जाएगा तब तक, वो सीमेंट सूखने में 2 दिन लगते हैं ना, तो 2 दिन के लिए तो हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। अब तुमको हल दे रहे हैं तुम्हारी समस्या का, फिर मत चिल्लाओ। ठीक है, आपके जो इसमें जी किया है मैं वही करेंगे, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम। जीवन खराब करके रख दिया है हमने। हाँ इधर आ, इधर आ बैठ, बैठ, तेरा रास्ता निकाल दिया मैंने सब। अब तेरे ही बनाए हुए पखाने में मैं जाऊंगा, दरवाजा खुला रहेगा, सबको बोल देना कि भाई प्लीज उधर अभी मत जाओ, जब लाल बत्ती कोई लगा देगा लाल बत्ती जगा दो उधर बाहर, बोलो के बाबा, ठीक है, जब लाल बत्ती बुझ जाए तब उधर से किरास करे जिसको किरास करना। क्या कुछ तो मेरा तो ध्यान रखो, बस हो गया ना अभी फैसला हो गया ना, तेरे पखाने में जाऊंगा बस। वो साफ कौन करेगा उसको? साफ करेगा तो आदत नहीं है। अरे ठीक है हम साफ कर देंगे, आप चल कर देना, पानी वानी डाल के अच्छी तरह झाड़ू मार के साफ कर। स्वच्छता अभी नहीं आएगा ना? नहीं जाऊंगा कल से, कल
शाम को तो जाना पड़ेगा दरवाजा अच्छा चलो पकाने भी जाऊंगा बस और दरवाजा बंद नहीं ये अभियान बंद कर दो तुम लोग दरवाजा बंद करके हटो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ कौन होता है ऐसे खुले नहीं होते हैं आज हम 70 बरस के हो गए हैं जब से पैदा हुए तब से खुला ही अपना है सब कुछ तो हम तो जा रहे थे हिमालय नांगे बाबा बनने के लिए बापू ने पकड़ के हमारी शादी करवा ली हम नांगे बाबा बनने जा रहे थे हम नांगे बाबा बनने जा रहे थे उनका तो कुछ पिटाखा नहीं रहता है साधु लोग हैं भाई सन्यासी है केवल भूत लगाते हैं वो अपने शरीर पे और कुछ नहीं लगाते हम तो वो बनने जा रहे थे भी अभी तुम लोग का लिहाज करके थोड़ा सा एक बार लुंगी और बनियान पहन लेते हैं ठीक है तो आपका हमारा लिहाज है ना थोड़ा सा तो है हाँ तो बस आपका खाना इस्तेमाल करेंगे हाँ, तो दरवाजा बंद नहीं रहे हाँ, ठीक है उधर से आना जाना सबका बंद ठीक सबका बंद जब लाल बत्ती बंद हो तो आ जाओ और धोते रहना एक एक घंटे के बाद उसको अब क्या होता है यार